मैं इस्फान गौहर कुछ आपके खदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वादी कश्मीर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी, नदी नालों में तुगयानी सूरतेहाल। पाकिस्तान के साथ बिला तातुल बातचीत का दौर खत्म, वज़ीर ख़ारिजा अजय शंकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जमात इस्लामी के लिए 1987 में इलेक्शन हराम बनाए, महबूबा मुफ्ती का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तंज। लोगों के पास दो रास्ते हैं, मिलिटेंसी, इलहदगी पसंदी या अमन और तरक्की का इंतखाब करें। जी किशन रेड्डी का जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजाम ने मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमद रफ्त को मुअत्तल कर दिया। और अब पेश है खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता दो दिनों से जारी है, जिससे जहां दरियाओं में पानी की सतह बढ़ गई, वहीं नदी नालों के अंदर भी तुगयानी सूरतहाल पैदा हो गई है। जबकि राबता सड़कों पर, गली कोचों में बारिशों का पानी जमा होने की वजह से चलने फिरने में लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। इत्तला के मुताबिक लगातार बारिशों के नतीजे में शहरों गांव की सड़कों और गली कोचों में पानी जमा हुआ है। लोगों का कहना है कि कई इलाकों में सड़कें ज़ेर-आब हैं, जिसकी वजह से लोगों खास तौर पर उम्र सीधा अफराद, ख्वातीन और बच्चों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। इधर महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 3 सितंबर तक बेशतर मकामात पर रुक रुक कर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है और 31 अगस्त और 1 सितंबर को कहीं कहीं हल्की बारिश के मुख्तसर मरहले का इम्कान है, जिसके बाद ही 2 से 3 सितंबर को मौसम मजमूई तौर पर अबर आलूद रहने के साथ बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हो सकता है और 4 से 6 सितंबर को मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि 7 और 8 सितंबर को जम्मू खत्ते में हल्के से दरमियाना दर्जे की बारिशें मुतवक्का है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि इस दौरान खतरनाक मकामात पर सैलाबी रैले, जमीन खिसकने, चट्टानी खिसकने और मिट्टी के तूदे गिराने के इम्कान हैं। इधर नामसाइद मौसमी सूरतहाल के बीच गांधरबल इंतजाम ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए जिला के लोगों खासतौर पर कंगन, सब जिला डिवीजन, लार, वाल्टर, वलीवार, चोंट वलीवार, चंथन, गुलाबपुरा और जिला के बलाई इलाकों के लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। एडवाइजरी में लोगों से कहा गया है कि वो नदी नालों, पहाड़ियों और उन जगहों पर जाने से गुरेज करें जहां सैलाबी रैले आने या मिट्टी के दूधे गिराने के खतरात है। बारिशें रहेंगे खासकर लेट इवनिंग या नाइट तक, और कल से जो है मौसम में थोड़ी बेहतरी देखने को मिल सकती है और सेकेंड इवनिंग तक वेदर अमूमन ठीक रहने के चांस हैं। कोई मेजर स्पेल नहीं है, बीच में थोड़ा ब्रीफ शावर्स हो सकते हैं कुछ एक जगहों के अंदर, और कमिंग डेज में खासकर 2 और 3 के दरमियान फिर से जो है बारिशों के चांसेस हैं। मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें फिर से होंगी और पहाड़ों में हल्की बर्फबारी के भी चांसेस हैं फिर से। फिर 4th ऑनवर्ड्स मौसम जो है थोड़ा सा खुल जाएगा, लगभग फिर 8 सितंबर तक वेदर अमूमन रहे रहेगा, और इसी बीच बारिशें कंटिन्यूस होने के कारण कुछ एक लो लाइंग एरियाज के अंदर जो है वाटर लॉगिंग कंडीशंस बन सकते हैं, लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स के भी चांसेस बनते हैं। काफ़ी सॉइल जो है काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हुआ है बारिशों के कारण, तो लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के भी चांसेस हैं, तो ओवरऑल जो है थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। यही मैं पूछने वाला था, एनी सॉर्ट ऑफ प्रिकॉशंस फॉर स्पेशली जो हाई रीचेस पे लोग रहते हैं। हाई रीच के अंदर देखो लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन्स कुछ एक जगहों पे, शूटिंग मड स्लाइड्स के भी चांसेस हैं, तो लैंडस्लाइड्स के लिए भी थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए लोगों को, खासकर जो पहाड़ी इलाकों के अंदर रहते हैं। बाकी जो ट्रैवल कर रहे हैं वो भी कंसर्न ट्रैफिक डिपार्टमेंट या जो एडवाइजरी है ट्रैफिक एडवाइजरी उसको पूरी तरह पालन करें। सो कह सकते हैं कि ओवरऑल सिग्निफिकेंट जो वेदर है वो आज दिन के बाद, दोपहर के बाद थोड़ा सा ठीक होगा ना? अच्छा, दोपहर के बाद फिर से बारिशों के चांस हैं। अभी थोड़ा बारिशें हो रही हैं, इसमें थोड़ी सी ब्रेक आ सकती है खासकर 11 बजे के बाद, फिर दोपहर के बाद फिर से जो है बारिशें एक बार फिर हो सकती है। तो कल फिर बेहतर है, कल जो है होपफुली वेदर।
चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुगल रोड के हवाले से, जहां मौसमी हालात के पेश नजर इंतजामी की जानिब से मुगल रोड को फिलहाल ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। नामसाइद मौसम और मुसलसल बारिश को मद्देनजर रखते हुए तारीखी मुगल रोड को फिलहाल ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इस हवाले से लोगों से भी अपील की गई है कि वो फिलहाल जब तक मौसम बेहतर न हो तब तक मुगल शाहरा पर जो सफर है उससे गुरेज करें। मुगल रोड पर बफलियाज साइड से गाड़ियों की आमदरफ्त बंद कर दी गई है और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मुसलसल बारिश की वजह से पत्थर गिरने के साथ मुतद्दिद स्लाइडों के वहां पर गिरने का खदशा है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े और जान के खतरे से बचने के लिए लोगों से एक बार फिर अपील की गई है कि वो फिलहाल मौसम बेहतर होने तक इंतजार करें और मौसम बेहतर होने के बाद ही वो मुगल शाहरा पर अपना सफर जारी रख सकते हैं। फिलहाल मुगल शाहरा के हवाले से बड़ी खबर, जहां पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को फिलहाल रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है, क्योंकि अभी भी मुगल शाहरा के आसपास जो बफलियाज और आसपास का जो मुलहिका इलाका है वहां पर मौसम जो बारिश है वो हो रही है और वहाँ पर लैंडस्लाइड या पत्थर गिरने का खतरा है। इसलिए इंतजामी की जानिब से ये फैसला लिया गया है कि फिलहाल ट्रैफिक को बंद कर दिया जाए और फिलहाल गाड़ियों की ट्रैफिक को रोक दिया गया है और लोगों से भी अपील की गई है कि वो मौसम बेहतर होने तक इंतज़ार करें और जब मौसम बेहतर होगा तो वो अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। इधर वादी में जारी खराब मौसमी सूरतहाल और महकमे मौसमियात की सैलाब गरज चमक के साथ बादल फटने, जमीन खिसकने और जलजले की पेशगोई के पेश नजर जिला इंतजामिया पुलवामा ने उन लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है जो दरियाई जहलम के किनारों और अमावन नदी नालों के किनारों पर रिहाइश पजीर है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो दरिया के आसपास की जगहों जहां उन्हें खतरा लाहक हो कि जानिब जाने से गुरेज करें। एडवाइजरी में वाजह किया गया है कि लोग मौसम की बेहतरी तक अपनी कारोबारी सरगर्मियां महदूद रखें। इंतजामे ने कश्तियों में सवार होने वाले अफराद से कहा कि वो मौसमी सूरतहाल के पेश नज़र पहले नामजद फ्री पॉइंट्स पर दरिया जहलम को अबूर करने की कोशिश भी ना करें। जिला इंतजामिया पुलवामा ने अवामुन्नास को किसी भी नाखुशगवार सूरत में पुलिस कंट्रोल रूम से राबता के लिए फ़ोन नंबर भी उन्होंने जारी कर दिए हैं और अगर कोई भी सूरतहाल पैदा हो, कोई भी नाखुशगवार वाक़ा पेश हो तो वो उन नंबर पर राबता कायम कर सकते हैं। वादी के अंदर लगातार बारिश की वजह से एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर के बाहर सड़कों की बदहाली, नाकस निजाम आब, टूटे फूटे फुटपाथ और बार बार होने वाले ट्रैफिक जाम आवाम के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं। उन मसाइल की वजह से अस्पताल पहुंचने वाली एम्बुलेंसेज को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिससे एमरजेंसी की सूरत हाल में फौरी तिबी इमदाद फराहम करना मुश्किल हो गया है। लोगों ने मुतलका इदारों से इस मसले को हल करने की अपील की है ताकि आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। काकसराय सिटी एंड पर बस स्टॉप ये लक्च गाड़ी रुकान जाम करा फुल जाम बेचो तो ये सड़क हिंस हालत तुम्हु यप आब यहाँ जल्दी पा ये हस्पताल रोड ये गोस फौरी तौर काम लगन ये गोस जाम गसन क्या तो ये शीरत यह जल्दी पा यह थोब इथे कहीं पेंडिंग यह शीरत जल्दी पम गुजारिश कर अहन आ ये जाम काफ़ी जाम ये मजूर जुवान बिचार रूद वुछान नेरान तम क्या कर लगन जल्दी पा क्या ये हस्पताल बेमार नेरान ये खसान गाड़ी सू हिसाब ये क्या तुम वो पान त्रव तुम योक नजर आब कूत कप तर सव कप खस गाड़ि मं सव ये लक्च गाड़ लगान वो तुम यप जाम ग पेशेंटन अजाब ग तमि कि गुन जल्द फौरी तौर गा गुजारिश गोरमेंटस यह सड़क सजदस पान यहाँ ट्रैफिक जाम लग भग जिन मोहतरम घंटस डॉडस घंटस तेज अगर पेशेंट आस और एम्बुलेंस तथा मज पेशेंट सह हाँ वो क्या ओत आज मोट रेत पाँच शे गई सफा कलम मूल लड़का नडवर ट्रैफिक गो जाम सह हूँ वस्पताल कहें
यह अपील कर गवर्नमेंट सवारि कि पकान लूख कप पकान सड़कन वह क्या हालात गम खराब यह कर मेहरबानी गवर्नमेंट सुना अपील यह कर सड़क कम्प्लीट दस्ती तैयार स्मार्ट सिटी से मरे कहीं यह गो बल गई सड़क थे कर परेशान बन लक्ष पटरी बन बजे कि हालात क्या इन कम कहीं यह मेहरबानी कर गवर्नमेंट अपील दपस यह कर फटोफट ये कम्प्लीट हर कुछ साइड अके साइड नहीं कह कंस दस्त कुछ जाए वो मिसाल मयद पेशेंट सह हाँ वह टाइम पे हस्पताल यही प्रॉब्लम से लूकन हम इस वक्त श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल के बाहर हैं और इस वक्त श्रीनगर शहर में बारिशें हो रही है। वादी कश्मीर के दीगर मकाम पर भी बारिशें हो रही है, लेकिन जहाँ तक श्रीनगर शहर का ताल्लुक है अंदरून सड़कें खस्ता हाल है, नाकारा ड्रेनेज की वजह से लोग काफ़ी परेशान है। लेकिन SMHS हॉस्पिटल जहाँ श्रीनगर शहर के अलावा वादी के अतराफ अकनाफ से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल के बाहर की क्या हालत है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट सिटी के अंदर यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन पूरा जो मटेरियल है वो यहाँ पे जमा हुआ है, मिट्टी है। और 3 साल से हालांकि स्मार्ट सिटी का काम जारी है, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर जिसको प्रायोरिटी पे काम करना चाहिए था अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा है किसी खंडरात का ये मंजर यहाँ पर पेश करा, एक नदी और नाला के मनाजिर यहाँ पर ये हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें या मनाजिर पेश कर रहा है। और साथ साथ इस वक्त बारिश भी हो रही है और इस बारिश की वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहे हैं। और हमने देखा कि जो एम्बुलेंसेस हैं उन्हें यहाँ पे वेट करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ बात यह है कि रोड की खस्ता हालत है। जो यहाँ फुटपाथ बनाए गए हैं काफ़ी टाइम से इस पर काम जारी है और यह फुटपाथ भी अभी तक पाई तकमील तक नहीं पहुँच चुके हैं और रोड के बीचों बीच गड्ढे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोड है ये, और ये बीचों बीच मेन होल है, इसको भी आप देख सकते हैं पानी जमा हुआ है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यही है कि यह अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। एम्बुलेंसेस को रोकना पड़ता है, तीमारदारों को परेशानियां हैं, बीमारों को काफ़ी वो ऑलरेडी परेशान है, इससे और ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो पैसेंजर शेड है, यहाँ पर जो गाड़ियाँ रुकी हैं, आप देखिए इसमें भी पैसेंजर्स को कितनी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मिट्टी नीचे है, मटेरियल नीचे है, पत्थर टाइल्स यहाँ पे हैं और इनको भी सही तरीके से असेंबल नहीं किया गया है, यानी कि सेफ्टी मेजर्स का भी यहाँ पे कोई ख्याल नहीं रखा गया है, कोई लिहाज नहीं रखा गया है। और साथ ही ये श्रीनगर के SMHS के बाहर की ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। हालाँकि होना ये चाहिए था कि स्मार्ट सिटी के अंदर जो पहली प्रायोरिटी वो हॉस्पिटल्स को होनी चाहिए थी, जो नॉर्मल्स और लॉ के हिसाब से भी है, लेकिन यहाँ का कानून बिल्कुल उल्टा है। और श्रीनगर के इस SMH अस्पताल के बाहर ये तस्वीरें और यही आप सूरत हाल आगे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हालांकि यहाँ पे काम जारी था क्योंकि आज बारिशें हो रही है, लेकिन ये काम 1 साल 2 साल पहले या पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये मुकम्मल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को कई सारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर हैं और टाइल्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी के ढेर है, और कुल मिला के आम लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खासकर अस्पताल की जब हम बात करते हैं, यहाँ न सिर्फ श्रीनगर से बल्कि वादी कश्मीर के कोने कोने से यहाँ लोग। वादी में जारी बारिशों की वजह से अगरचे मामलाती ज़िंदगी मुतासर हो गई है, वहीं वादी के मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग में हालिया बारिश के नतीजे में गुलमर्ग मज़ीद खूबसूरत और दिलकश मनाजिर पेश कर रहा है, जिससे आने वाले सयाह खुश नज़र आ रहे हैं और बारिश के बाद यहाँ के कुदरती मनाजिर का भरपूर लुत्फ भी उठा रहे हैं। ताहम नाले फेरोजपुरा और दीगर नदी नालों में सतहआब में इजाफा हुआ है और लोगों को इन नदी नालों के नज़दीक जाने से इंतजामी की जानब से मना किया गया है। ये रूद वगैरह पे अम सारा राहत मिले, इस फसल वगैरह उस खराब गुमत ये फिरोज नाले नाले फिरोजपुरा ये हूँ तुम वह अत कु बना वो क्या खुशक गुमत हद खुद ज्यादा खुशक और वनकन अल्लाह ताला कुन उमेद करा जी वो अत कूद आब हूर अम सिल राहत तम सत्या ज्यादा असर पेमुत और परेशान उस हर अख इंसान दुआ करा बा चीज मगर तुम्हें पता जान अमाल कनस कौ रिपोर्ट सैन कश्मीर अल्लाह ताला कुन लाख लाख शुक्र अल्लाह ताला द्रो पे राम त बारान जम से बहुत उम्मीद रखते थे और उनका यहाँ आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए पिछले 2-3 महीनों से यहाँ टूरिज्म
कम था, अब बारिश मौसम तब्दील हो चुका है, अब इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि यहाँ सयाह आए और हमारा भी रोज़गार जो है वो आगे चले और उनका भी इंजॉय हो जाएगा। मगर ये काफ़ी ज़रूरी था कि मौसम की तब्दीली यहाँ होना चाहिए, इसलिए मौसम की तब्दीली अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मौसम चेंज हो गया है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं टूरिज़्म अब यहाँ बहुत आगे जाएगा, सयाह इंशाल्लाह तो ज़रूर आएंगे। उनके लिए मैसेज यह है कि यहाँ पे मौसम चेंज हो चुका है, सोनमर्ग भी दो तीन जगह स्नो हो चुका है, इंशाल्लाह यहाँ पे भी ऊपर स्नो हो जाएगा और सयाह यहाँ आज आ रहे हैं, बहुत काफ़ी आ रहे हैं, कल से हम देख रहे हैं सयाह यहाँ आ रहे हैं और उनका आना यहाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो आए हमारा भी रोज़गार चलता रहता है, हम टूरिज्म से ही बात कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में भी गुज़श्ता दौरों से लगातार बारिशों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। वहीं सयाहती मुकाम गुलमर्ग में मौसम बदलते ही यहां पर सयाहों की तादाद में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। मेवा सरत से वाबस्ता लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, वहीं सयाहत से वाबस्ता लोग इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि वादी में बदलते मौसम के साथ ही यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आएंगे ताकि उनका रोज़गार भी चल सके। इश्फाक डार, गुलिस्तान न्यूज़। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और इलहदगी पसंदी को फरोख देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए मरकजी वजीर और बीजेपी के जम्मू कश्मीर इलेक्शन इंचार्ज जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास आइंदा इंतखाबात में दो रास्ते हैं, लोग या तो मिलिटेंसी इलहदगी पसंदी का इंतखाब करें या अमन और तरक्की मुंतखब करें। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जी किशन रेड्डी ने कहा कि इंतखाब सिर्फ बीजेपी के लिए इंतखाब नहीं है बल्कि कांग्रेस एनसी इत्तेहाद के खिलाफ आंदोलन है। उन्होंने कहा है कि राहुल उमर के इत्तेहाद का मकसद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और इलहदगी पसंदी को जिंदा करना है, लेकिन हम उसकी इजाजत नहीं देंगे। आंदोलन है अभी भी हमारा, ये चुनाव नहीं है, हमारे लिए आंदोलन है। जम्मू कश्मीर जनता अधिकार दिलाने का आंदोलन है, जम्मू कश्मीर जनता भारत के संविधान को पूरा पूरा अधिकार मिलने का आंदोलन है और अधिकार लेने का भी आंदोलन है। देश के जनता के साथ बराबर अधिकार लेने का अधिकार है, आंदोलन भी है। ये सिर्फ मैं भी बोला हूं, जो ये चुनाव हमारे लिए चुनाव नहीं है, हमारे लिए आंदोलन है। सारी देश का जनता के साथ साथ जो अधिकार है देश में, उस अधिकार जनता जम्मू कश्मीर जनता को दिलाने का आंदोलन है हमारा। कश्मीर में आने वाले पीढ़ी स्वातंत्र से जीने का आंदोलन है हमारा और जम्मू कश्मीर में फिर आतंकवाद नहीं आए इस अधिकार देने का भी आंदोलन है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, उनको वोटिंग राइट्स कंटिन्यू करने का अधिकार है, जो हमारा 19 में अधिकार दिया है। फिर वो अधिकार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जेके जैसे वो वापस लेना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें आंदोलन मानते हैं। हम जो आजाद से लेकर जो आंदोलन किया है, फिर जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी का दोस्ती का गठबंधन के कारण फिर आंदोलन का शब्द यूज करना पड़ा हमारा। जो उनका दोस्ती के कारण, उनके गठबंधन के कारण, जो आर्टिकल 370 हटाकर शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, महिलाओं का जो अधिकार वापस लेना चाहते हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं ये हमारा सिर्फ इलेक्शन नहीं है, हमारा आंदोलन कंटिन्यू फिर हम कर रहे देश के हित के लिए, जम्मू कश्मीर जनता के अधिकार। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को अपनी सल्तनत समझती है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इंतखाबात तब हलाल होते जब वो इक्तदार में होते, लेकिन जब वो इक्तदार में नहीं होते तो इंतखाब हराम करार दे देते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जमात इस्लामी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती हैं तो वो उसके फैसले का खैर मकदम करती है। देखिए, मुझे हैरानगी होती है
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को अपनी सल्तनत समझती है, कि ये जो हराम हलाल का सिलसिला तो उन्होंने शुरू कर दिया 1947 में, जब मरहूम शेख साहब को पहले चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाया गया जम्मू कश्मीर का और फिर हिंदुस्तान के साथ जुड़े, तो तब हलाल था इलेक्शन। जब वो वज़ीर आज़म बने तो तब हलाल था, जब वज़ीर आज़म से उनको हटाया गया तो फिर इलेक्शन 22 साल के लिए हराम हो गया। 22 साल तक वो राजशुमारी की बात करते रहे, उसके बाद 75 में वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बन गए, फिर इलेक्शन हलाल हो गया उनके लिए। और उसके बाद 87 में जब यहाँ जमात इस्लामी और दूसरी जमात इस्लामी कोई पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रही है, सैयद अली शाह गिलानी साहब मरहूम बहुत पहले से इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा थे, मगर 87 में हलाल को हराम किसने बनाया है जमात के लिए, इलेक्शन को या दूसरी जमातों के लिए या मफ के लिए? तो जब 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दांदलियाँ की इलेक्शन में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई तीसरा फोर्स सामने आ जाए, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने अपने साथ मिलाया, तो जब तीसरा फोर्स सामने आया मफ की शक्ल में, तो उन्होंने दांदलियाँ की, जिसकी वजह से जितनी भी और जमातें पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहती थी उनके लिए उन्होंने इलेक्शन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। और तब से ये जो हलाल हराम का सिलसिला तो इन्हीं का शुरू किया गया है। 22 साल तो ये लोग इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहे थे, कह रहे थे हमने रायशुमारी करानी है, हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करना है, हमने पाकिस्तान के साथ जाना है और इलेक्शन लड़ना हराम है। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ना चाहती है बहुत अच्छी बात है, जमहूरियत ख्यालात की जंग है और इसमें जब जो चाहे आ सकता है, और उनको मैं तो सरकार से ये भी कहती हूँ उनका बैन हटाया जाना चाहिए, उनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं एसेट्स हैं जो आपने फ्रीज़ किए हैं कन्फिस्केट किए हैं उनको डीफ्रीज़ किया करना चाहिए, उनको वापस करना चाहिए। तो ये बड़ा अफसोस वाला बयान है ये हलाल हराम इलेक्शन को के बारे में कहना। तो मुझे लगता है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है, उन्हीं का है ये कॉल रहा है कि जब उनको कुर्सी मिलती है तो इलेक्शन हलाल हो जाते हैं, जब कुर्सी छूट जाती है तो इलेक्शन हराम हो जाते हैं। नहीं देखिए, असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए जहां आज पर्चा नामजदगी वापस देने की आखिरी तारीख थी, वहीं एडवोकेट आसिम हाशमी ने डोडा वेस्ट से हल्के से प्रदीप कुमार एलएनएस के जो उम्मीदवार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के, उनकी हिमायत में अपना कागजाती नामजदगी वापस ले लिया है। एडवोकेट हाशिम जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उम्मीदवार भी थे और गुंडाना ब्लॉक से सीनियर एडवोकेट और डीडीसी मेंबर है, आज एक मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने अपनी नामजदगी वापस लेने का ऐलान किया है। इस मौके पर उन्होंने डोडा वेस्ट और अपने इत्यादि उम्मीदवार की हिमायत देने का ऐलान किया है। जो तकसीम की सियासत करने वाले लोग हैं, जो मजहब के नाम पे लोगों को आपस में लड़ाने वाले लोग हैं, जो मजहब की लड़ाई की आग भड़काने वाले लोग हैं, जिन्होंने इस रियासत को तबाह बर्बाद कर दिया, जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को हमारी पीठ में छुरा घोंपा, जिन्होंने हमारे तमाम हुकूक छीन लिए, जिन्होंने इस रियासत को रियासत से यूटी बना दिया, उन लोगों को रोका जाए। महज उन लोगों को रोकने के लिए मैं इस वक्त एक कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, दूसरी कोई वजह ना है, कहीं हमारी तकसीम का फ़ायदा वो ना उठा दे। वगरना मेरी आपको पता है, जब मैंने DDC का इलेक्शन लड़ा था उस वक्त भी ये सीट ऐसे ही बनाई गई थी जैसे आज बनाई गई है, मजहब के नाम पे सीट जेरीमेंडरिंग करके। उस सीट में भी एक ऐसा वोट बैंक जमा कर दिया गया था जिसको अपना हार्ड कोर वोट समझा जाता था, जीती हुई सीट थी, पूरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ थी, मैं तैयार नहीं था, लास्ट मोमेंट में मैंने हाँ की रिलेक्टेंटली और रिजल्ट आप सबके सामने है। इससे बड़ा क्या चाहिए आपको सबूत कि लोग मेरे ऊपर क्यों एतमाद करते हैं, क्यों मोहब्बत देते हैं? आज भी इनकी शिकस्त हो जाती करारी, इतनी ताकत है हम में अल्लाह के फजल से, इन लोगों की मोहब्बत से, इनके खुलूस से, इनके इस नाम पे। मैं आपको एक चीज बता दूं, कल 2 दिन में कई लोग जो BJP में चले गए थे सिर्फ हमारा नाम सुन के वापस आ गए, एक ही इलाके के 250-250 लोग हमारा नाम सुन के वापस आ गए, इससे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन आज जो सूरत हाल है, मैं ये सोच रहा हूँ कहीं वो इस तकसीम का फ़ायदा ना उठाएं। लिहाजा चूंकि एक कोलिशन हुई है, जम्मू कश्मीर कोलिशन इस बात पे हुई है कि लोगों के वोट को जो डिवाइड करने का खेल जेरीमेंडिंग करके डिलिमिटेशन का मजाक करके किया गया है, उसको डिफीट किया जाए। तो इस बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए
मैंने इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और मैंने इनको जो है कहा कि मैं विड्रा कर लेता हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ और कोई वजह नहीं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, दो चीज़ें बताता चलूँ। पहली बात, आप सब लोगों को खबर है और हमारा हक भी था कि हम कहाँ होते, नहीं मिला, ये अल्लाह की मर्जी है। लेकिन एक तमन्ना है, आज का जो इलेक्शन हो रहा है, आज का जो लोग मैंडेट देंगे, जिसको भी देंगे, इनको देंगे, जिन भी सेकुलर ताकतों को देंगे, उनकी लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त है। उनको इस रियासत के हुकूक की बहाली के लिए लड़ाई करनी है, उन पे जिम्मेदारी बड़ी भारी है। लोग अगर उन पे एतमाद करेंगे तो ये ख्याल रखिए कि कभी लोगों की पीठ में छुरा मत घोंपना। सबको कह रहा हूँ, जितने भी सेकुलर मैंडेट पे चुन के आएंगे, क्योंकि लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को जिस रियासत के साथ सलूक हुआ उसका मदावा आप करेंगे, इस रियासत की जो हैसियत है उसको बहाल किया जाएगा। ये प्रिंसली स्टेट थी, इस प्रिंसली स्टेट को एक म्यूनसिपल्टी में कन्वर्ट कर दिया गया, हमको गुलाम। नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए, गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाई